ये चीज पे एक्सपीरियंस करने है ना एक अलग ही चीज होती है। एक बार मुझे भी काट बोलो तेरे शर्म नहीं 8000 रुपए के ग्लव से भाई को ना पे डर लग रहा है। ओ कितनी झूठी है तू। बाय मेरी जान। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मेरा जैद जो है बिल्कुल ठीक होके खेली खेली कर रहा है और ये हो चुका है रेडी। आज इसने पहनी है नई शर्ट। तो गाइज ये व्लॉग इसलिए खास होने वाला है क्योंकि हम काफी समय से 3 महीने अप्रोक्स से हम कुछ चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रही थी, तो फाइनली वो हो गई है। और वो क्या हुई है आप सबको पहले से पता है कि हम लोगों ने मंगाई है कैरावन, और कैरावन में करने वाले हम फैमिली ट्रिप। फैमिली ट्रिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीकू की छुट्टी पड़ी हुई है 10-15 दिन की, तो हमने सोचा है कि उसे घुमाते हैं फिराते हैं क्योंकि काफी समय हो गया चीकू को टाइम नहीं दे पा रहे हम ना। 3 बच्चों के उसमें ना बहुत ज्यादा पजल हो गए थे तो चीकू को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस बार हमने सोचा है कि चीकू का 15 दिन का पूरा ट्रिप जो है उसे इंजॉय कराते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि मेरे फेस पे अनवांटेड हेयर है, उसको लेजर कराने जा रही हूँ। उसके बाद जो है हमें कैरावन की बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि खाना पीना सब उसी के अंदर करने वाले हैं, हम बाहर होटलों में रुक के नहीं खाने वाले हैं। क्योंकि देखो ये चीज पे एक्सपीरियंस करने है ना एक अलग ही चीज होती है, तो इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जैद आपको नाम पता है आपका? ये नहीं खाना। काम करो भाई की बॉल से खेलो। ये लो कल पापा बैट बॉल लेके आए थे। पापा देखो पापा भी आ गए। पापा कह रहे हैं कि ना हीटर ले आओ इस कमरे के लिए भी, क्योंकि 2 हीटर है ना हमारे पास, बार बार शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि बच्चों का क्या पता कहां बैठे, तो एक हीटर और ले आएंगे। चल अभी चलते हैं, हीटर भी ले आएंगे और कैरावन के लिए जो जो सामान लेना वो भी ले लेंगे। ठीक है। तो भाई आज ना कुछ स्पेशल जो आया था ना इनके लिए वो पहनने वाला है। क्या बात है गुच्ची के शूज पहन रहे हैं। गाइस देखो बहन के हाथ का दिया हुआ गिफ्ट ना बहुत प्रेशियस होता है, और नीतू ने इतने प्यार से इतना ढूंढ के ना ये लेके आई है और इनको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो कहते मैं आज यही पहनूंगा, तो हमने ये निकाल के दिया है। मैं काटू? एक बार मुझे भी काट दे। इतनी जोर से तो वो भी नहीं काटता। बोलो तेरे शर्म नहीं। काट के देख लेते हैं। फिर और काटना है। गला घोट दूंगा, निशान भी नहीं आएंगे गले में, समझ गई? ग्लव्स में क्या क्या आप हमारे बिना रह नहीं सकते। तो गुड्डू जा रहे हैं फार्म, मैं और गुल्लू जा रहे हैं काम, और ये ग्लव्स मैंने लिए थे भाई। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं ना घूमने वहाँ पे ठंड होगी, और दूसरी बात क्या ना जो हमारे पैरेट है ना कल सूरज भाई को खा गए थे बहुत जबरदस्त, आपने चीकू ब्लॉग में देखा ही होगा, तो मैं उनको जब पकड़ूंगा ना तो वो कहीं से भी खाते रहे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप गोलू की बन रहे हो क्या? ये टैग तो निकाल लो। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना बेटा, गोलू मैं टैग लगा घूमती हूँ। और क्या तू कल को घूमेगी? 8000 रुपए के ग्लव्स है। इतने पैसे खराब करा आपने। खराब क्या करने, 7000 के जो कोई बात नहीं, चीज देखो महंगी इंसान को लेनी चाहिए। हाँ एक बार लेता बंदा ये चीजें। 8900 के ग्राम से गाइस। तो गाइस सच में मेरे बाल इतने ट्रिम झड़ रहे हैं ना, इतने ज्यादा तेल लगा के देख लिया मैंने, सब कुछ करा के देख लिया। तो फाइनली मैं पहुंची हूँ मोहित डॉक्टर के पास और वो मुझे बताएंगे इन ये झड़ते हुए बालों को रोक लो। सर मेरे बड़े बाल बहुत पतले हो गए, पता क्यों झड़ रहे हैं? आपने क्रैश डाइट करी है, वेट गेन नहीं कर सकती दोबारा खा के। वो तो नहीं खा के नहीं, अदरवाइज मैं आपको ये बता रहा हूँ जो बाल झड़ने के ना कई रीजन होते हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन एक तो चलो डिलीवरी हुई थी वो तो ठीक है, उसके बाद तो होता ही है, उसके बाद जब हम डाइटिंग करते हैं ना तो उसकी वजह से कुछ बॉडी में ना विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी वजह से। पर मैं तो सारे कैल्शियम सब खाती हूँ। नहीं नहीं फिर भी बॉडी में कुछ ऐसी एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि डाइट में हम मिलते हैं। अच्छा तो वो वाला थॉट नहीं है कि बच्चे जब बोले करने लगाते हैं माँ के बाल तब गिरते हैं, वो भी होता है ना डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद होते हैं। लेकिन मेरे फेस पे कुछ ऐसा कर दो कि फेस चमक जाए, और साथ ही साथ आपके लिए पेशेंट लेके आए आज हम निकी पेशेंट, तो इसका एक्ने काफी ज्यादा, मतलब इसका ना साथ क्या है ना इसकी स्किन ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो कभी भी ना स्किन ठीक नहीं होती, अगर ठीक होती भी ना सिर्फ 5-10 डेज के लिए होती है। अरे ये बहुत सारे वो जो प्रोडक्ट नहीं होते गंदे वाले उसी वजह से वो यूज करती है, स्टीरॉइड की वजह। हां स्टीरॉइड और मतलब इसका इतना बड़ा पैकेट है सर, ये जो रेड ये सारा जो हो रखा है दिख ही रहा है कितना रेड हो रखा है। फाइल हॉस्पिटल आई थी ठीक है, साथ में कुछ लेकर आए ना दवाई का डब्बा इतना बड़ा, उसमें सारी दवाइयां थी, ट्यूब ट्यूब धोएगी क्रीम और लगाएगी ये पता नहीं क्या क्या लगाएगी। तो गाइस जो मैंने पहले आपको दवाई बताई थी ना जिससे बाल आ जाते हैं वो दवाई भी पूरा असर करती है, लेकिन जो बाल मेरे बार बार झड़ रहे हैं ना उन पे वो दवाई असर नहीं करती, उसके लिए मुझे फाइनली PRP ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ हॉट सीट पे, तो डॉक्टर अभी निकालने वाले मेरा ब्लड और मेरे ही ब्लड से मेरी PRP होगी, जो मेरा ब्लड बच जाए ना यूज ना आए वो वापस डाल देना। अब ये खराब हो चुका है, वेस्ट वेस्ट हो गया। अभी आपको दिखाऊंगी कि खून में ब्लड में से प्लाज्मा कैसे अलग होता है वो दिखाऊंगी, ये मशीन है ना इस मशीन में होता है। भाई को ना पे डर लग रहा है, दिखाती हूँ क्या हो गया डर लग क्यों तो आज दीवार पे डर लग रहा हमने ये
वो आपके ऊपर मेरे थोड़ा डार्क सर्कल है ना उसके लिए कुछ कर रहे हैं अंडर आई कर रहे हैं एक्चुअली ना आज ना अयान ने ना नाखून अयान ने मारा उसको ये कह रही है आप ना ऐसे कर लो हैंड से कर लो डोंट वरी एक ऐसे करके ना मैं सिर्फ स्ट्रेच कर लेती हूं ठीक है ठीक ये लो ठीक है नहीं बोलो से डर लग रहा है डर लग रहा है पर फेस के लिए इंसान चांद तारे भी तोड़ लाते हैं कहीं नहीं फिर हम फेशियल में कवर कर लेते हैं फिर तो गाइस ये मेरा मैं पता नहीं क्या ये पैक लगाने के बाद क्या होगा मेरा भी अभी आपका मशीन से सारा फेशियल पेंडिंग है हां मेरा भी पेंडिंग है फेशियल बड़ा डीप काम हो रहा है बिल्कुल आइस के पास एकदम यहां से ना डार्क सर्कल कम हो जाएंगे पल के क्योंकि ना देखो हमें डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो जाते हैं सब गर्ल्स की ना ज्यादातर शिकायत यही रहती है डार्क सर्कल और बीबी होने के बाद तो मुझे लग रहा है मेरे डार्क सर्कल बढ़ चुके हैं तो आज मेरा भी फेशियल हो चुका है और साथ ही साथ पायल का जो हाइड्रा फेशियल है वो हो गया लास्ट स्टेप है ये मास्क वाला टटूरे के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है ये क्या मिल रहा है इसको एलईडी मास्क है विद 99% प्योर ऑक्सीजन तो यहाँ पे मैं अपना ग्लो पील लगा रही हूँ ग्लो पील के बाद ग्लो करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गए हैं तो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा सारा काम अभी फेस पे ग्लो पील लगी है इसे 2 घंटे तक ऐसे ही रखना है और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ हाँ ये मैंने तेरे लिए सिलेक्ट किया ये मैंने सिलेक्ट किया अभी कितनी झूठी है तू पागल है एक दिल बना रखा दिल का मतलब हो रहा फेवरेट देख मैंने दिल्ली पसंद करके रखा था कि पायल अगर दिल देखेगी ये भी मैंने पसंद किया था तेरे लिए मिले दोनों के लिए मैंने तो एक ही किया रेड वाला भाऊ मैं भी तो तेरे पास ऑरेंज है ना मेरा वो वाला फॉरएवर न्यू वाला ये टॉप मैंने तेरे लिए पसंद करा पर तो ये मैंने अपने लिए लिया है कितनी वो बनती है चंट की यार ये वो और तेरे लिए भी पसंद किया मैंने देख ये तो मैंने नहीं लिया क्यों ले ले तू नहीं तेरे लिए की है मैंने परेशान की कुर्ती है मुझे ये भी की तेरे लिए पसंद ले लू ये और देख निकाल ले स्मॉल सही अच्छी लग रही हां स्मॉल साइज निकाल तो गाइस मैं इसके लिए इतनी सारी चीजें पसंद करती हूँ फिर ऐसे करती है अब ये बता मेरे लिए क्या क्या ऑर्डर करा है तेरे लिए मैंने एक वो ड्रेस करी है इतनी वाली और मुझे नहीं पैंट भी तो चाहिए तेरे पास इतनी सारी पैंट है नहीं वाली चाहिए मुझको ब्लैक कलर की बटन वाली जैसे तेरे पास ज़ारा की है अच्छा वो वाली हाँ फेवरेट भी जाना है ना और क्या मेरे लिए मैं अपने लिए दिल बना के रख रही हूँ कि अभी मेरे दिल में से देखेगी क्या क्या चाहिए मुझे देख ही नहीं रही कलर बता कौन सा है ना देख ले तू कौन सा चाहिए मैं ब्लैक नहीं है तो गाइस आप लोग सोचते हो ना ये कितना पैसा खर्च करती है कितना करती है हम बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते हमें अगर कोई भी चीज चाहिए होती ना तो हम तब तक वेट करते हैं जब तक वो सेल में नहीं आती है और अभी ना H&M पे बहुत अच्छी सेल चली कितनी 40% 50% 50% क्यों नहीं है तूने बाबू ये दो चीजें गलती से डल गया होगा एक करते कम अच्छा तो ये सेम है क्या मेरा अलग है तेरा अलग है हमारे कैरावन जिसने अभी तक व्लॉग नहीं देखा कैरावन का जल्दी जाके मलिक व्लॉग्स पे देख लो और हमें लग रही बहुत तेज तो गाइस पीछे है हमारी कैरावन और जिसने अब तक कैरावन का व्लॉग नहीं देखा अरमान मलिक पे जाके देख लो पूरा व्लॉग आ गया है जबरदस्त है मतलब हर इंसान की इच्छा हो जाएगी कि कैरावन हर घर में हो हाँ बिल्कुल और हम करने वाले इसने बहुत सारा ट्रैवल हर एक शहर करेंगे कवर ऑल इंडिया टूर करने वाले हर सिटी की जो परंपरा है चीजें हैं वो सब दिखाने वाले बिल्कुल मिस मत करना जाओ और देखो तो गाइस यहाँ पर ना हमारे राजू भाई हैं और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और ये लगा लो बस हाथ को हाथ होता है ये इंसान अभी अंदर घूम के यार मुझे लग रहा है तू भी बनवाई ऐसे देख कोशिश करेंगे है ना तो मुझसे ही बनवाइयो मैं अब इसमें डील करूंगा ठीक है तो भैया यहाँ पर कैरावन में चल रहा है हमारा खाना वाना फुल तरीके से क्योंकि लग रही थी इतनी तेज की भूख और मेरा फेवरेट ढोकला आ गया यहाँ पे वैसे तो वेट नहीं हो रहा भाई क्या क्या मंगवाया गुलिया सा छोले चावल राजमा चावल और ढोकला आ जाओ बच्चों अंदर आ जाओ जुटी चाड़ के चढ़ी मोटे आ रही गड्डी शुकिन चढ़ गई फटाफट खाना खा रही है पता नहीं ऐसा लग रहा है इसको खाना नहीं मिलेगा भाई बच्चों खाना नहीं खाया ना इसलिए खाना ऐसे खा लो पायल के ना फायदे ही फायदे हैं चीकू के जूते इसको आ जाते हैं अरे चीकू के कपड़े आ जाते हैं इसको दो दो फायदे हैं कपड़े भी जूते भी सही है यार सही है ना और क्या और तूबा बड़ी होगी ना थोड़ा टाइम बाद मेरे तूबा पहन लेगी कपड़े फिर तूबा जो लेगा करेगी नए नए कपड़े पहले मैं पहना करूंगी तो भाई यहाँ पे जोरों शोरों से भैया पैकिंग चल रही है और सब कुछ पैक कर दिया खाने पीने का पाल पता नहीं अभी तू क्या पैक कर रही है बाल तू यहाँ से अपने कपड़े अच्छा पर मैं जा तो नहीं रही हूँ हाँ। पर मैं बाद में जाऊंगी इसलिए मैं पैक कर रही हूँ वेरी गुड वेरी तो अभी मेरे साथ कौन जाने वाला वो है सरप्राइज और यहाँ पर भाई मेरी भी पैकिंग चल रही है फुल जोरों शोरों से और बताना है कि इंडिया टूर कर रहे हैं कौन कौन सी सिटी में हम जब रुकेंगे तो सबसे मिलेंगे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं प्यार करने वाले हैं अभी तो मैं थक गया हूँ सुबह से क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है
आज तो फिर कैरावैन में नींद आई। तो गाइस फाइनली कैरावैन आ गई है मेरी सोसाइटी में और भैया सब कुछ रेडी है, सब कुछ पता चल रहा है, इंडिया टूर स्टार्ट है। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हुआ करेगा क्योंकि घर भी आना पड़ा करेगा, पर इंडिया टूर स्टार्ट है। आप कमेंट करके बताना कौन सी सिटी में हम पहले जा रहे हैं। तो गाइस आपने हमेशा ही सुना होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो अभी हम थोड़ा सा कश्मीर की तरफ गाड़ी को लेंगे। पहले 3 दिन रहेंगे हम थोड़ा सा इधर घर के आसपास, उसके बाद घर आएंगे, नया साल बच्चों के साथ मनाएंगे, उसके बाद हम जाने वाले हैं यहीं से सीधा गोवा। गोवा के मतलब चीजें आपसे पूछते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सुरेश भाई क्या बोलते हैं? बिल्कुल भाई, सबसे पूछते भी रहेंगे, वो बताते भी रहेंगे और उनके साथ से हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइस एक चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी मजेदार लगेगी आपको। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम अरमान मलिक, स्कैन करके दिखा दे, स्कैन करके दिखा दे। कैसे स्कैन करेंगे लोग, कल को मैं रुक जाऊँ कहीं तो ऐसे स्कैन करोगे आप किसी भी फोन से और ऐसे खोलोगे और यहाँ पर भाई इंस्टाग्राम आ जाएगा अरमान मलिक का। तो फटाफट फॉलो भी कर लेना, बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है आपको वहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं ये बताता रहूंगा कि मैं कौन सी सिटी में रुका हुआ हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं। जतिन भाई अपडेट पूरी रखेंगे ताकि जो लोग मिलना चाहते हैं, मीट एंड ग्रीट कराना चाहते हैं, तो संपर्क करें। भाई ने ना अब तक कैरावैन अंदर से नहीं देखी और ये बस अंदाजा लगा रहे हैं कैसी होगी। कैसी होगी कोई बात नहीं, कल मैं ब्लॉग में देख लूंगा, कल का ब्लॉग देख लेना। एक एक चीज भैया डिटेल में बताइए हमने, एक एक चीज क्या बात। और उसके साथ साथ एक खुशखबरी आपको और दे देता हूँ, अगर आपको कैरावैन बनवानी है फिर कुछ भी करना है, और मेरी जो टीम है आजकल कैरावैन में डील कर रही है और मैंने भी अभी एक फ्रेंचाइजी ली है, आप मेल करना, मैसेज करना, मेरी टीम बहुत जल्दी रिवर्ट करेगी। क्योंकि ये चीज़ें मैंने ना 2 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं खुद की अपनी कंपनी यानी कि मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, तो मैं खुद डील करूँगा उन चीज़ों में। और उसके बाद जब भी आप कैरावैन बनवाने आओगे या बन जाएगी, उसके बाद डिलीवरी मैं अपने हाथ से देने वाला हूँ आप लोगों को। तो भैया कैरावैन के पूरे मज़े लिए जाएंगे और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे लिए इतना खास एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि मैं गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं सोता, थोड़ी देर के लिए आँख वाँख लगाता हूँ, पर मैं अब रहने वाला उसमें हूँ, सोने वाला उसमें हूँ। बीच में 1-2 बजे हमें होटल लेने पड़ा करेंगे क्योंकि ड्रेक क्लीन है या फिर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है औरतों के लिए, तो गोलू और पायल के लिए मुझे बीच में होटल लेना पड़ा करेगा। क्या बोलते हो जतिन भाई? मेरे हिसाब से रेस्ट करने के लिए तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी हम एडवेंचर कर रहे हैं, बट जैसे कि दोनों अमरजेंसी क्या होता है ना, होटल नहीं मिलता। जैसे मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ कई बार ना, हम होटल ढूंढते रहते हैं, वो बोलते हैं 12 बजे बाद देंगे, 10 बजे बाद देंगे, उसमें ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। रेस्ट कर सकते हो, अगर हम बुकिंग भी लेते हैं ना भाई, तब भी वो 1-1.5 घंटा आपको बाहर बिठा के रखते हैं बड़े आराम से। 12 बजे के बाद मिलेगा, 3 बजे मिलेगा, इस चक्कर में ना बहुत पंगा हो जाता है, बंदा टायर्ड होता है। तो ये कि खुद का बेड है आपका, ओन बेड, रेस्ट कर लिया, कमर सीधी कर ली, होटल मिल गया फिर उसको। तो गाइस अभी हमारे भाई भाभी आ गए हैं और हमारे साथ हमारा जो हमारा छोटा भाई है, आजा भैया इधर आजा। तो अब ये आपको दिखने वाला है ब्लॉग में हमारे साथ, बहुत ही खतरनाक सिंगर है, लिखता भी अच्छा है और साथ साथ अब ब्लॉगिंग भी करने वाला है, और ये हमारे साथ ही आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ चले फिर चले, ओके जी बोल रहे नमस्ते के तो नहीं एक बार करनी करनी होगी। तो अभी हम जा रहे हैं और पायल घर पे हैं, पायल पूरा संभाल रही है। पायल हाँ जी, ठीक है, मैं इसको संभालूंगी। तूने मुंह नहीं धोया अब तक? मेरा टाइम ही नहीं लगा पैकिंग के चक्कर में। अच्छा चल फिर नीचे तक छोड़ दे, हाँ मैं इसको पहले वहाँ बैठा के आती हूँ, इसको नहीं लेके जाऊंगा। आ जा, ठीक। मैंने आपके लिए शॉल और वो सब दे दिया, ले लेना, सबके लिए शॉल दिया मैंने, सारे लड़कों के लिए। ठीक है चलो। तो भैया निकले जी, निकलते अपने सफर पर। और मैंने यहाँ पे ना अभी लॉन्ग कोट नहीं पहना हुआ था, तो उन्होंने बोला गुरु ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, स्टाइल मत मार, अपना कोट पहन ले, कोट पहना तो अच्छा लग रहा है। हाँ भी लड़के नीचे करो, नीचे करो, ठंड है। चलो आगे से चलो, वो जो दूसरी वाली वो थी जो मैं लेके आया था, जो गाड़ी के अंदर पहननी होती है, वो कहाँ है? गाड़ी के अंदर के पास। हाँ तो फिर चलो, फिर चलो आगे से चलो। ठीक है पायल, जान रख है। मैं कह पायल अभी जान ही नहीं, पर पायल को हम साथ लेके जा रहे हैं अपने साथ। अरे पायल तो हमेशा साथ, पायल हमारे साथ है। ओए मेरी मुझे कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही चीजें हैं दादा, जान रखो और बस इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, बस हम अपना 100% देंगे, उसके बाद इसके पूछते हैं क्या करेगा। ठीक है, ठीक है ना। हां चलो भाई, चलो चलो आ जाओ, चलो चलो, हमारे को छोड़ने जा रही पायल अंदर तक। चलो भाई, यहाँ पर हमारे कैमरामैन भी आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम आपको चीजें कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे और चीजें हम दिखाएंगे। भाई क्या बोलते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। ओके रिपोर्ट वाली बिना तो अभी मैं दिल्ली जाऊंगा थोड़े दिन बाद, और बहुत चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बिल्कुल हमारे खास बड़े भाई हैं, वहाँ जाके मैं बताऊँ, वो सरप्राइज है। ठीक है ना सर? बिल्कुल। बाय तो कर दे मम्मी को। बाय मेरी जान, बाय बाय।
चल ठीक है, ठीक है दादा, घर रहे ना, आपको बिल्कुल नहीं जाना। रात के टाइम अगर आप गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पायल क्या बोलते हैं? हां मैं जाने नहीं दूंगी, आप टेंशन मत लो। क्योंकि ना भाई हमें अजमेर शरीफ से आया तो इतनी धुंध थी, मतलब हमें होटल नहीं मिला रास्ते में, और आप जाओगे आपको रास्ते में होटल करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं यहां रुक जाओ, सुबह निकल जाना आराम से। चलो देख लेंगे और क्या। नहीं देख लेंगे नहीं, अगर आप चले गए तो मैं गुस्सा जाऊंगा। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और भाई ट्रैवल जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल मिस मत करना अरमान मलिक पे, जिसने अब तक व्लॉग नहीं देखा, वैनिटी अंदर से नहीं देखी तो जाके देख लें। ठीक है भाई? ठीक है जी, चलो ध्यान रखें। बाय बाय। ओके बाय। दुआ में याद रखना। ठीक, दुआ करती रहूंगी।